हाय दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीच वर्ल्ड इन बिहार में, यूट्यूब का सबसे यूनिक चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर पढ़ेंगे हिंदी का दौली, लेकिन आज पढ़ेंगे हम काव्यखंड। उसका काव्यखंड का पहला चैप्टर जो कि इस प्रकार, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके राइटर हैं गुरु नानक देव जी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले नए व्यूअर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, हमारे टेलीग्राम आईडी टीच वर्ल्ड इन बिहार पे भी जाके आप विजिट जरूर से जरूर करें, वहाँ पे हम रोज़ आपको क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक मैंने क्या लिया है कि लेखक यानी गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कब हुआ? 1469 ईस्वी में तालवंडी ग्राम, 1469 ईस्वी में तालवंडी ग्राम लाहौर, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, वहाँ के एक जिला है। और नानकाना साहिब, जो कि उनका जन्म स्थान जो है, उन्हें उसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और फिर उनके माता और पिता का नाम क्या है? माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री, और उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी है, सुलक्षणी उनकी पत्नी का नाम है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया है, मैंने लिखा गुरु नानक देव, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को समान महत्व देते थे, उनकी दोनों का उपासना उन्होंने किया, दोनों की भक्ति उन्होंने किया, परंतु वर्णाश्रम कर्मकांड पूजा पाठ आदि का विरोध भी किया उन्होंने। वर्णाश्रम यानी कि जो होता नहीं है हमारे हिंदुओं में, कि शास्त्रों में लिखा है कि गुरुकुल जाना, यानी वन में जाके सब शिक्षा अध्ययन ये सब ग्रहण करेंगे, और कर्मकांड यानी कि पूजा पाठ रोज सुबह शाम संध्या भजन आदि, भगवान को धूप बत्ती आदि सब कुछ दिखाना, वही कर्मकांड हुआ। उनका उन्होंने विरोध भी किया, और निर्गुण ब्रह्म यानी कि राम नाम के जाप का उन्होंने प्रचार किया। बोले वो कि ब्रह्म नाम का आप जाप करते रहिए, आपके अंदर भक्ति भाव रहेगा, तो आप बिना पूजा पाठ के भी प्रभु की कृपा पा सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म का प्रचार भी किया उन्होंने। देशाटन, उन्होंने देश विदेश यानी पूरा भारत को उन्होंने घूमना होता है, उन्होंने देशावटन मतलब घूमना होता है, उन्होंने पूरा देश का भ्रमण किया, यानी कि वो उन्होंने पूरा देश घूमा। और यहाँ तक कि वो मक्का मदीना, यानी कि मुस्लिमों का जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है मक्का मदीना, हज की यात्रा जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी वो गए। कहाँ, किस लिए? भ्रमण करने के लिए, ताकि हिंदू मुस्लिम के जो मतभेद हैं या जो परंपरा उनका वो जान सके, और उनके बारे में उपदेश दे सके कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने क्या लिया है, कविताएं, यानी कि उनकी जो कविताएं हैं वो किस भाषा में थी, उनके कविताओं में किस तरह के भाव उभर के आते हैं। उनकी कविताएं पंजाबी के साथ साथ हिंदी, ब्रज और खड़ी बोली में, या वो इन सब भाषाओं का अधिकतर प्रयोग करते थे। उनकी जो कविताएँ थी उनमें जीवन का अनुभव एकदम सार, यानी कि जो बोलते हैं ना कि जीवन कैसे जीना चाहिए, सबका ज्ञान देना है, प्रदान करना, वही उनकी कहानियों में मिलता था, जीवन का अनुभव आदि सब, कबीर की तरह ही, कबीर की कहानियों में जैसे मिलता है ना, उसी प्रकार। और उलटबासी शैली का मतलब होता है कि किसी के बारे में बुराई करना, या किसी अजीब ढंग से, जैसे कबीर लिखते थे, नद पीवत ना पान, तरवत फल ना खात, यानी कि नदी पानी नहीं पीता और पेड़ फल नहीं खाता है, उस तरीके की बोली बहुत कम उपयोग करते थे। उन्हें सामाजिक विद्रोह भावना जिससे कि मतलब उनकी बोली से समाज में विद्रोह हो जाए, वैसी भावना के साथ भी ये नहीं लिखते थे, और सबके साथ प्रेम भाव के साथ रहने का उपदेश भी देते थे। धर्म उपासना, प्रेम उद्भव आदि सब चीज़ों के लिए वो सदैव तत्पर रहते, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते थे वो अपनी कविताओं में। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा है, उपदेश, यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं या गुरु होते हैं, वो उपदेश देते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, कुछ महत्व बताते हैं, उसको जो बोलते हैं ना उसको उपदेश बोलते हैं। जैसे क्या चलने बोलते हैं कि हमारे शिक्षक गण आके स्टेज पे कुछ बोले, वही होता है पुराने जमाने का उपदेश, उसी को बोलते हैं उपदेश। वो उपदेश में गुरु की महत्ता बताते हैं कि गुरु किस प्रकार होते हैं, गुरु क्या है क्या नहीं है, किसको गुरु मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, गुरु क्या कितना आगे रहना चाहिए कितना नहीं रहना चाहिए। उसके बाद संसार क्षण भंगुरता है, यानी कि संसार में कुछ नहीं है,
लोभ मोह माया सब कुछ त्याग दीजिए। संसार एकदम नश्वर है, जिसमें शरीर है तो संसार है, शरीर नहीं तो संसार नहीं, वही बोलते हैं छठ भंगुरता है। ब्रह्म सर्वशक्ति एवं सर्वव्याप्त है। उनका कहना था कि गुरु नानक देव जी का कहना था कि ब्रह्म यानी कि भगवान जो है वो सभी जगह विद्वान है, वही सब सबसे एक नंबर है, वही सबके सबके दाता हैं, वही सबके शक्तियों के स्रोत हैं। उन्हीं का नाम जाप करते रहिए, आप जिंदगी भर सुख जिंदगी भर सुखी रहेंगे आदि। नाम जाप की महिमा मिलती है। नाम जाप यानी कि वो वही जो अभी मैंने बताया कि नाम जाप करने की सलाह देते रहते थे, राम नाम यही जाप करने का वही सलाह देते रहते थे, यही उनके उपदेश कुछ थे। उसके बाद मैंने क्या लिया है, पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के वैसे 10 गुरु हैं, उसमें पांचवें गुरु गुरु अर्जुन अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव जी 1904 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब जो इनके द्वारा गुरु नानक जी द्वारा जो लेख लिखे गए थे, जो एक जगह संग्रहित नहीं थे, उन्हें पांचवें गुरु सिखों के गुरु अर्जुन देव जी ने जो कि इनके शिष्य भी रहे थे कवि, उन्होंने एक जगह संग्रहित किया और 1904 ईस्वी में एक पुस्तक का रूप दिया, जिसे नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। आजकल सिखों का यानी पंजाबी लोगों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रसिद्ध बुक है, जिसको बोल सकते हैं या ग्रंथ बोल सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हर गुरुद्वारा में लगभग ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रचनाएं, गुरु नानक देव जी की रचनाएं इस प्रकार थी। जापूजी नाम है ये, जापूजी आशा दीवार रहीरास और सोहिला ये उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं थी। उसके बाद फिर मैंने क्या कि मृत्यु कब होती है इनकी, गुरु नानक देव जी की, लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। वाह गुरु यानी कि आजकल जो बोलते हैं ना वाहे गुरु सत्य नाम वाहेगुरु, वही वाह गुरु कहते हुए वो अपने प्राण त्याग देते हैं, अपना मतलब कि जो शरीर होता है वो छोड़ देते हैं। आजकल के जो लेखक हैं वो मानते हैं कि हिंदी के जितने भी कवि हैं उनमें निर्गुण भक्ति धारक है यानी कि जो प्रभु और उससे जुड़ी हुई महिमाओं का जो अध्ययन करते हैं, जो उसके बारे में जो बताते हैं, वही निर्गुण भक्ति धारक प्रमुख कवि हुआ करते थे। वो अपने समय के प्रमुख कवि हुआ करते थे। उनका भक्तिधारा इतना था कि वो उनके हृदय में भी भक्तिधारा ही का ही सम्मिलित रहता था। वो जब भी बोलते थे भक्तिधारा के भाव से ही बोलते थे, सबसे प्रेम से बात करते थे, सब कुछ उनका भक्ति के अनुरूप ही रहता था। मैंने कुछ ऐसे स्वतंत्र पॉइंट भी लिए हैं, जैसे कि मुगल सम्राट से भेंट, गुरु नानक देव जी का मुगलों के प्रथम सम्राट बाबर से भेंट भी हुआ था और सिख धर्म के प्रावर्तक भी कहे जाते हैं, यानी कि जो सिख धर्म जब से स्टार्ट हुआ, यानी कब से, गुरु नानक देव जी ने ही अपने समय से सिख धर्म का स्टार्ट किया और वही इस धर्म के प्रावर्तक भी रहे। राम नाम पर बल दिया, वो हमेशा बोलते रहते थे कि राम नाम का जाप करते रहना चाहिए हमें हमारे ज़िंदगी में राम नाम का एकदम जाप करते रहना चाहिए, जिससे हमारे सभी दुखों को पार लगाया जा सकता है। ये तो हुआ राइटर का इंट्रोडक्शन। हम आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे राम नाम मेनु मिर्थे जग जन्मा, जो पद दिया गया है उसका अध्ययन करेंगे। हम एक एक पद लेके चलेंगे, यानी कि आगे आने वाले दो वीडियोस में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कौन काव्यखंड गोदली का। तब तक हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस देखते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट प्लीज़। हमारे टेलीग्राम आईडी टीच वर्ल्ड इन बिहार में भी जाके आप विजिट करें, वहाँ पे PDF आपको उपलब्ध मिलेंगे और रोज एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पे भी जाके विजिट करें, साथ ही हमें जोश और मोश पे भी फॉलो करना ना भूलें।